नहीं की होगी कि एक मुस्लिम देश में हिंदू आस्था का केंद्र अपनी नींव, अपनी जड़ों को इतने नीचे तक ले जाएगा और उसी अनुपात में उस पूरी सोच को, उस विश्वास को, उस हिंदुत्व की आत्मा को, उस हिंदू धर्म की आस्था को पूरे विश्व में वसुधैव कुटुंबकम की सोच के साथ फैलाएगा। ये प्रतीक है आस्था का। संस्कृति का, सद्भावना का और सभ्यता का। ग्यारह फरवरी 2018 को दुबई के ओपेरा हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस प्रतीक को दुनिया को दिखाया था वो अब साकार होने जा रहा है। भारत से करीब 2,500 किलोमीटर दूर अबू धाबी में बनने वाला पहला हिंदू मंदिर अब अपने अंतिम चरण में है। ये मंदिर न सिर्फ हिंदुस्तान की आध्यात्मिक और सनातन परंपरा का एक बड़ा केंद्र है, बल्कि इस मंदिर के निर्माण की वजह से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान होगा और दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। ये सिर्फ दो देशों के रिश्ते की कहानी नहीं है, ये पूरे विश्व में भारत की धमक, वसुधैव कुटुंबकम की सोच और उसी के साथ कैसे हम पूरे विश्व को एक शांति की तरफ ले जाना चाहते हैं, उस सब का प्रतीक बन रहा है। अंजना जी, ऐसा है कि दिस इज द रिजल्ट ऑफ द प्रेयर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ भारतवासियों जो यहाँ बरसों से रह रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम की तर्ज पर बन रहे इस मंदिर में स्वामी नारायण के साथ साथ 9 अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियों को भी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसमें राम जानकी, राधा कृष्ण, तिरुपति बालाजी, भगवान अयप्पा समेत कई अन्य मूर्तियां शामिल हैं। तो अब हम मंदिर के उस हिस्से में, जैसा हमने आपको बताया था कि 7 यहाँ पर शिखर है, 7 मंदिर है, तो ये जो प्रभु राम के लिए है उसकी आप देख रहे हैं जो नक्काशी की गई है, और उस शिखर का एक स्तंभ आप देख रहे हैं, ये उसका एक स्तंभ है। ये सिर्फ इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि आपको जो इसकी कितना बड़ा ये, इसकी विशालता का अंदाज आप इससे लगा सकते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं राम मंदिर में, यहाँ पर जो अनेकों 7 मंदिर हैं उनमें से राम मंदिर में चलते हैं। अक्षर धाम की जय हो, स्वामी अबू धाबी में अक्षरधाम मंदिर बनाने का सपना साल 1997 में प्रमुख स्वामी महाराज ने देखा था, जो करीब 26 साल बाद अब अपने कमल स्वरूप में आकार ले रहा है। इस मंदिर की नींव साल 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी, पर इसके मंदिर के निर्माण की आधारशिला साल 2015 में रखी गई, जब प्रधानमंत्री अबू धाबी गए थे और यूएई सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए 55,000 वर्ग फीट जमीन आवंटित की थी। ये भी एक महज संयोग मात्र है कि एक तरफ लंबे अरसे से इंतजार के बाद भारत में राम मंदिर आम जनता के लिए खुलेगा और दूसरी तरफ मुस्लिम देश में आस्था के सबसे बड़े मंदिर के दरवाजे विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए खुलेंगे। एक बार 360 डिग्री जरा दिखाते हैं अपने दर्शकों को। यहीं पर मूर्ति लगेगी और अभी मूर्ति का इंतजार है यहाँ पे चारों तरफ से, और श्रद्धालु इधर से आएंगे और यहीं पर आकर फिर वो प्रभु राम के दर्शन कर पाएंगे, पूजा कर पाएंगे। मंदिर निर्माण का काम फुल स्पीड में चल रहा है। मंदिर में लगाए जा रहे पत्थर की नक्काशी देखते ही बन रही है। इस मंदिर में लगाए जा रहे पत्थरों पर हिंदुस्तानी कारीगरों का हुनर चमक रहा है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि आज तमाम लोग जो अपनी मेहनत और पसीना लगा रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ हैं, तो हिंदी सारे समझते हैं, है ना? कहाँ कहाँ से आए हैं? भरतपुर से। भरतपुर, आप? पिंडवाड़ा राजस्थान। आप? भरतपुर राजस्थान। भरतपुर राजस्थान। डूंगरपुर राजस्थान। डूंगरपुर राजस्थान। अबू धाबी में बन रहे इस मंदिर की संरचना और डिजाइन लगभग वैसी ही है जैसे दिल्ली और दुनिया के दूसरे अक्षरधाम मंदिर बनाए गए हैं, पर जो खास बात इस मंदिर को दूसरे अक्षरधाम मंदिरों से अलग बनाती है वो ये कि ये अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर होगा।
मंदिर का निर्माण 27 एकड़ के क्षेत्रफल में होगा, जिसमें से 13 एकड़ पर सिर्फ मंदिर होगा। इस मंदिर की खासियत ये है कि इसमें लोहे या उससे बनी सामग्री का इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसका निर्माण भारत की पारंपरिक मंदिर वास्तुकला के तहत किया जा रहा है। मंदिर के साथ ही खूबसूरत गार्डन और जल सरोवर का निर्माण चल रहा है। मंदिर के आर्किटेक्चर की थीम भी वसुधैव कुटुंबकम रखी गई है। तो अबू धाबी में ये मंदिर, और उसमें भी आप सोचिए कि राम मंदिर से आप निकले और एक तरफ गंगा, दूसरी तरफ यमुना और बीच में सरस्वती, तीनों का प्रवाह, मतलब अद्भुत नजारा। गंगा घाट की तरह ही ये नजारा है। पारंपरिक पत्थरों से बन रहे इस मंदिर को फाइनल लुक देना अभी बाकी है, पर जिस तरह से भारतीय कारीगरों ने मंदिर की दीवारें और स्तंभों पर अपने हाथों से नक्काशी की है वो देखने लायक है। मंदिर निर्माण के लिए 2000 से अधिक कारीगर दिन रात काम में लगे हैं, ताकि जनवरी अंत तक मंदिर को अंतिम स्वरूप दिया जा सके। इसके साथ अब हर किसी को इंतजार है 14 फरवरी 2024 का, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इस भव्य और दिव्य पैप्स हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। इस बैप्स हिंदू मंदिर के साथ कूटनीति का एक नया अध्याय वसुधैव कुटुंबकम के संदेश के साथ भारत रखेगा। इसी के साथ अबू धाबी से हमारी विशेष पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।